बर्बाद हो गया। हजूर आप तो बड़े नेता मालूम होते हैं, मेरे साथ बहुत बड़ा जुलम हुआ है। कैसा जुलम? मेरे पास 50 रुपए थे, मैं अपनी जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेला था, मगर आज पत्तेबाज ने मुझे धोखे से फांस लिया। अब 50 के 50 निकल गए, अब मेरे पास 5 रुपए भी नहीं। तेल का टिकट कटा के अपने घर जा सकूं, सरकार मेरी मदद कर। कहाँ है वो पत्तेबाज? इधर ही सरकार। लगती है? जरूर। तो निकालो पत्ते। आ जाओ फिर। आ जाओ। हार जीत बादशाह पर होगी, सब जानता हूँ। ये रहा बादशाह, ख्याल में रखना। लगाओ 50। लगाओ ना, जो जी में आए लगाओ ना। तो फिर लग गए 50। ये रहा बादशाह, निकालो 50। ये लो। बस जीत कर भी डर गए? जब बात है तो मैं पत्ते फेंकता हूँ और तुम दाव लगाओ। नहीं सही, मगर जरा संभल के, लक्ष्मी हाथ चूमा करती है मेरे। लक्ष्मी हाथ चूमा करती है तुम्हारे? लगाओ प्यारे जी भर के। देर दिल हिम्मत है तो कर दो देर खाली, एक हाथ में इधर या उधर। बड़े ही दीदार मालूम होते हो। ये रहा बादशाह। क्यों मत, अगर जीतना है तो इस पर खेलो। ये रहा बादशाह। अबे जा जा, कल का इतरा साफ को सिखाने आया है। सारी जिंदगी गुजर गई है पत्ते लगाते हुए, यही है बादशाह। प्यारे तुम्हारी तकदीर में गुलामी लिखी है, ये गुलाम है। बादशाह हमेशा बादशाहों के पास आता है। ये रहा बादशाह। ये का गुलाम। ये लो ठाकुर, पूरे 50 के 50। और देखो अब इन पत्तेबाजों से 1.25 फुट दूर है ना, समझे? दादा ईश्वर आपका भला करे, मैंने ऐसे धर्मात्मा आज तक नहीं देखे। धर्म का दान मांगते हैं, यतीम खाने के लिए, यतीम बच्चों की रक्षा के लिए। पंडित जी धर्म के लिए अपनी मुट्ठी हमेशा गर्म है। ये लीजिए सबके सब, और हाँ रसीद इस यतीम के नाम काट देना। कौन थे ये धर्मात्मा? क्या नाम है इनका? ये है चालबाग, और आज से इनका नाम है मिस्टर चालबाग। हिम्मत वाले नौजवान मंजिलों के उजाले, लो करें बदनामी कैसे ये दुनिया वाले। हम मत वाले नौजवान मंजिलों जाले, लो करें बदनामी कैसे
से ये दुनिया वाले करें भलाई हम बुरे बने खत्म इस जहां की रेत निराली प्यार को समझे हाय रे हाय सितम हम मत वाले नौजवान हम धूल में लिपटे सितारे हम जर्रे नहीं हैं अंगारे नादा है जहां समझेगा कहां दबा चारे जब जब धूम के निकले हम जान के पड़ जाए लाले लो करें बदनामी कैसे ये दुनिया वाले हम मत वाले नौजवान हम रोते दिलों को हंसा दे दर्द की आग बुझा दे नजर बेताब जिगर हम सबको गले से लगा ले हम मन मौजी शहजादे दुखियों के रखवाले लोग करें बदनामी कैसे ये दुनिया वाले हिम्मत वाले नौजवान आदत के बड़े मत ताने और प्यार के हम हैं दीवाने बढ़ते ही चले पीछे न हटे आजादी के हम परवाने दुनिया बदलने आए हम तूफानों के पाले लोग करें बदनामी कहते ये दुनिया वाले करें भलाई हम बुरे बने हरदम इस जहां की रीत निराली प्यार को समझे हाय रे हाय सितम हिम्मत वाले नौजवान मंजिलों के उजाले लोग करें बदनामी कैसे ये दुनिया वाले शबनम ए शबनम शबनम सुनो तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने होने वाले पति देवता को होने वाली पत्नी देवी के आगे आगे चलना चाहिए शबनम चंदन तुमसे लाख बार कहा कि मुझे तुम्हारा ये आवारापन बिल्कुल पसंद है फिर भी रात चलते तुमने हाथ फेंक दिया मुझ पर शर्म नहीं आता तुम्हें वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था हुजूर एक दिन भरे मंडप में ये हार जो पहनाना है तुम्हें वो दिन कभी नहीं आएगा मैं आज ही डैडी से कहकर तुम्हारी मेरी मंगनी तोड़ दूंगी मंगनी तोड़ने के बजाय वो तुम्हारा सर तोड़ देंगे तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी मुझसे ही करेंगे मुझसे शादी करने के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए समझे डैडी तुमसे बेजार हो चुके हैं वो वही करेंगे जो मैं चाहती हूँ और तुम मुझे चाहती वो दिन हवा हुए जनाब तुमसे मोहब्बत करने वाली शबनम तो सबकी मर चुकी शबनम मर चुकी कब मरी कैसे मरी तो फिर आप कौन है क्या नाम है आपका नाम बताओ नाम बताना तो दरकिनार मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहती और हम भी मैदान मोहब्बत में पीठ दिखाना नहीं जानते जिसका बहुत पक्का हूँ नाम बताइए चले जाइए मैं भी हट की बहुत पक्की हट को प्यार की रट में बदलना तो मेरे बाएं हाथ का काम है और जिसका भूत सर से उतारना मेरे दाहिने हाथ का काम है
चले जाइए। नाम बताइए। चले जाइए। नाम बताइए। नाम बताओ। नाम ओ मेरा नाम अब्दुल रहमान पिता वाला। हुजूर, मैंने आपका खानदानी नाम नहीं, आपका अपना नाम पूछा था। तो आप मेरे मुंह से मेरा नाम सुनकर ही रहेंगे? जी हाँ, प्रोग्राम कुछ ऐसा ही है। आपके इस प्रोग्राम में वो हवलदार आपकी ज्यादा मदद करेगा। हवलदार? हवलदार से क्यों कहलवा रही है? अपने मुंह से कह दीजिए ना, प्यारे चंदन मुझे तुमसे प्यार है। क्या बात है मेहन साहब? ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या बात है हवलदार? हवलदार उधर है, जाओ। चंदन की माँ सतर्क हो गए। क्या हुआ पंडित जी? शेर जी ने कहा है कि अगर चंदन ने अपने आप को नहीं सुधारा तो वो अपनी बेटी की मंगनी तोड़ देंगे। मंगनी तोड़ देंगे? हाँ। क्या किया है मेरे बेटे ने? अपने स्वर्गवासी पिता के नाम पर बट्टा लगा रहा है बहुरानी। लोफर दोस्तों के साथ सड़कों पे गाने गाता है, शरारतें करता है। अब कहता हूँ बहुरानी, अगर शेर जी ने रिश्ता तोड़ दिया तो फिर शबनम जैसी बहू तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जयराम जी की पंडित जी, शादी का दिन तय करने आए हैं क्या? नहीं, तेरी शिकायतें लेकर आए हैं। बड़े दाता मनुष्य पंडित जी महाराज, शिकायतों का सारा प्रसाद टिका दीजिए, हाजिर है। देखा बहुरानी, अब तुम ही कहो कौन भला आदमी अपनी बेटी देगा ऐसी शैतान को। अरे बेशरम, सेठ जी ने तेरी सगाई तोड़ने की धमकी दी है। वो लड़की वाले जो ठहरे माँ, उधर लड़की तो इधर लड़का, उधर धमकी तो इधर धमका। अरे कहाँ चला? अपने होने वाले ससुर के पास। आप फिक्र न कीजिए पंडित जी, सेठ जी से माफी मांगने गया है, वो खुश हो जाएंगे। बड़ा प्यारा बच्चा है। हेलो, ओ लीला बेटा, क्या बात है? शबनम अभी लौटी नहीं? अच्छा अच्छा, मैं उससे कह दूं। जीती रहो बेटा। शबनम, अरे बिटिया, लीला का टेलीफोन आया था, तुमसे मिलना चाहती। कब जाएगी? आज शाम तक। साहब, वो पोतम से चपरा से आया है। क्यों, क्या बात है? हुजूर, पोस्ट ऑफिस में आपका ट्रंकाल आया है। पोस्ट ऑफिस में? यहाँ क्यों नहीं? आपका टेलीफोन खराब हो गया है, उस पर सिर्फ लोकल कॉल ही लग सकते हैं, ट्रंकाल नहीं। क्या बकते हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं हुजूर, हो चुका है। जब से एटॉम बम पड़ा है, न होने वाली बात भी होने लगी। बूढ़े जवान बनने लगे हैं और जवान मुझ जैसे बूढ़े बन गए हैं। लोकल कॉल। हेलो, पोस्ट ऑफिस? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आपके यहाँ से एक चपरासी आया है, कहता है आप ट्रंकाल मेरे टेलीफोन पर नहीं दे सकते। जी हाँ, ठीकी तो कहा उसने। आपके घर की लाइन लूप लाइन पे थी, जो मेन लाइन से हटके ब्रांच लाइन सोची और लूप लाइन को मेन लाइन से अलग कर दिया। आपके घर की लूप लाइन और मेन लाइन के बीच ब्रांच लाइन यूँ आ गई कि मेन लाइन को लूप लाइन को और लूप लाइन को मेन लाइन से। हाँ हाँ हाँ, मैं सब समझ गया। चुप है। जी नहीं, ट्रंकाल है। चलो। नमस्कार। पीछे बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। अब फिर करती भी क्या, वो मैं पीछे पड़ गया था कि मैं उसे अपना नाम बताऊं। अजीब सरखीरा मंगेतर है, तुम्हारा नाम जानते हुए भी नाम पूछने लगा। उसकी बेटों की जिद तो तू जानती है, कहीं मेरी जबान से निकल गया शबनम मर चुकी, बस सर हो गया मेरे। कहने लगा कि अगर शबनम मर गई है तो आपका क्या नाम। मैं भी जिद पर आ गई कि अब वो मेरी जबान से मेरा नाम कभी नहीं सुने। तब तू जिद के इस मुकाबले में तुम अपनी जबान भी हारोगी और दिल भी। वो कैसे? इस घर में उसका आना जाना तो है ही, देख लेना। जो जबान आज उसे अपना नाम सुनाते रुकती है, उसी जबान पर एक दिन उसके नाम की रट होगी। मैंने कहा हुजूर। यहाँ क्यों आए हो? हुजूर का नाम जानने, हुजूर के ही मुंह से कम इतना तो तरस खाइए हम पर। इस बार मेरी डैडी आपका तरस खाएंगे और वही आपको मेरा नाम बताएंगे। बिल्ली, जरा डैडी को बुलाना। ओ डड़े रो, डड़े रो, डड़े रो। अजी मैंने कहा अब छोड़िए भी ये फौजी परेड, तकलीफ होती होगी बेचारे इन जूतों को। जरा ठहरिए, ऐसे ढाई दर्जन बेचारे पड़ने वाले हैं आपकी खोपड़ी पर, बिल्ली बखलाती होगी डैडी को। हुजूर, इस वक्त बिल्ली तो क्या, अगर आपका कुत्ता भी भौंके तो आपके डैडी आने वाले नहीं। मैंने उन्हें पोस्ट ऑफिस पार्सल कर दिया है। यानी
वो चपरासी बनकर तुम ही आए थे? हाँ जी, ये तो शुरुआत है। हमें तो एक दिन आपका बनना है, और जब तक हम आपके नहीं बन जाते, बस देखती जाइए हम आपके लिए क्या क्या बनते हैं। कुछ शरीफ भी बन सकते हो मेरे लिए? शरीफ? हुजूर आप कहें तो शरीफा बन जाऊं आपके लिए, बस हुक्म की देर है। तो हुक्म यही है कि फौरन यहाँ से तशरीफ ले जाइए और फिर यहाँ कभी मत आना। तो फिर किस तरफ जाऊँ, कहाँ दर्शन देंगी आप? जहन्नुम में। सोच लीजिए हुजूर, जहन्नुम में भी पहुँचूंगा आपके पास, और अगर आपसे पहले उठ गया तो फिर भूत बनकर उतरूंगा आपकी जिंदगी में। अभी भी क्या भूतों से कम हो, हर वक्त तो मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही तालीम दी है क्या? माँ बाप? बाप तालीम देते रहे कि बेटा मेरे भूत करने के बाद तुम माँ का कहा मानना। और माँ कहती है कि बेटा मेरे भूत करने से पहले ही तो घर में बहू ले आ। पर माँ बरदार बेटा हूँ ना, इसीलिए जरा जल्दी जल्दी पहुँच जाता हूँ आपके पास। कहिए कब चलेंगे माता जी से मिलने? पहले आपको 6 महीने के लिए जेल पहुँचाऊंगी, फिर जाऊंगी आपकी माँ के पास। अफसोस करना। क्यों जी, ये आपके बाबा का राज है क्या कि जिसे चाहे जेल पहुंचा दे? मेरे डैडी का नाम मत लेना वरना भी कर दूंगी पुलिस के हवाले। क्यों जी, ये पुलिस भी आपके बाबा की है क्या? बकवास बंद करो वरना जबान खींच लूंगी। क्यों जी, ये जबान भी आपके बाबा की है क्या? ठहरो, इस बदतमीजी का मजा तुम्हें अभी ना सिखाया तो मेरा नाम शबनम नहीं। आहा, हिनाते क्यों हो? हुजूर का नाम जान लिया हुजूर के ही मुँह से। मैं आ गई हूँ तुमसे। शब्बो शब्बो शिब्बो। क्या कहा? जैसे बिमला से बिल्ली वैसे शबनम से शिब्बो शिब्बो। खबरदार जो मेरा नाम बिगाड़ा तो। हुजूर आपकी तकरार ने तो हमारी जिंदगी बिगाड़ दी। हम क्या प्यार में आपका नाम भी नहीं बिगाड़ सकते? हम तो जरूर कहेंगे शिब्बो 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 शिब्बो। शबनम से शिब्बो शिब्बो से शिबली 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 शबनम से शिब्बो। शिब्बो बिल्ली बिल्ली बढ़ई को बुला के ये सब खिड़की हमेशा के लिए बंद करवा दो। खोल दे खिड़की चाहत के नाम पे। खोल दे खिड़की चाहत के नाम पे। सीख हमारे दिल से तड़पना उल्फत के नाम पे उल्फत के नाम पे। खोल दे खिड़की चाहत के नाम पे। सीख हमारे दिल से तड़पना उल्फत के नाम पे उल्फत के नाम पे। पहचाना ही नहीं दिल वाले दीवानों को। तूने पहचाना ही नहीं दिल वाले दीवानों को। दरवाजे क्या रोकेंगे प्यार के इन तूफानों को। प्यार के इन तूफानों को है प्यार के इन तूफानों को। खोल दे खिड़की चाहत के नाम पे। सीख हमारे दिल से तड़पना उल्फत के नाम पे उल्फत के नाम पे। पूरा यकीन है अपनी ठंडी बाहों का। हमको पूरा यकीन है अपनी ठंडी आहों का। एक न एक दिन पहनेंगे हम हार किसी की बाहों का। हार किसी की बाहों का है हार किसी की बाहों का।
खोल दे खिड़की चाहत के नाम पे, देख हमारे दिल से तड़पना उल्फत के नाम पे, उल्फत के नाम पे। टुकड़े इस दिल के देख तुझे समझाते हैं, अरे टुकड़े टुकड़े इस दिल के देख तुझे समझाते हैं, प्यार को जो ठुकराते हैं वो बाद में खुद पछताते हैं, बाद में खुद पछताते हैं वो बाद में खुद पछताते हैं। खोल दे खिड़की चाहत के नाम पे, चाहत के नाम पे, चाहत के नाम पे, देख हमारे दिल से तड़पना उल्फत के नाम पे, उल्फत के नाम पे। आप लोग किससे मिलना चाहते हैं? विधवा आश्रम के लिए कुछ दान कीजिए, विधवाओं की चाहिए। माँ, विधवा आश्रम से कुछ औरतें आई हैं संदे के लिए। आती हूँ बेटा। आप लोग बैठिए, माता जी आती हैं। मिसी बाबा, विधवा आश्रम में से कुछ औरतें आई हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हमें आपका प्रेम चाहिए रानी, हम दुखियारे के सहारे जिंदा है ना? हाँ। हमारी सहायता के लिए कुछ दान कीजिए। जी क्यों नहीं, क्या दूं मैं आप लोगों को? आशाएं तो हमें आपसे बड़ी बड़ी है, लेकिन प्रेम से आप जो कुछ भी दान करेंगी हमें स्वीकार होगा, है ना? हाँ। आप किसी तरह का संकोच न कीजिए, जो कुछ भी उम्मीद लेकर आई है बेखटके मुझसे कह दीजिए अपनी बहन समझ कर। बहन? अजी वो तो हम आपको जिंदगी भर नहीं समझ सकते। क्या? इसलिए कि अभी कुंवारी हैं आप, सुहागनों में उठने बैठने के दिन है आपके, भगवान वो दिन कभी भी ना लाए कि हमें आपको बहन समझना पड़े। ये सब पुराने ढकोस है, हर एक की अपनी अपनी किस्मत। ठीक कहते हैं आप, इसीलिए हम भी अपनी किस्मत आजमाने आए हैं, हमारी टूटती नैया पार लगाना अब आपकी के हाथ में। ठीक है ठीक है, जो भी हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। ये लीजिए 30 रुपए। झुक झुक जियो मेरी रानी, भगवान करे अच्छा सफर मिले आपको, दिल का इतना साफ जैसे कुंदन, स्वभाव का इतना ठंडा जैसे चंदन। क्या चंदन? चंदन, जरा सुनिए, इस चंदन नाम से मुझे बहुत प्यार है। सचमुच? तुम चिंता न करो रानी, भगवान की दया से तुम्हारे बर का नाम चंदन नहीं होगा। अरे चंदन नहीं होगा, अरे चंदन नहीं होगा। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपको कुछ सौगात देना चाहती हूँ। चुप चुप जियो रानी। बड़ी बदतमीज लड़की हो, विधवा पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? बेटा, ये तो सुबह सुबह कहाँ गया? माँ वो मंदिर गया था देवी के दर्शन करने। क्या बड़े प्रताप वाली देवी है कोई? उनका प्रताप? बस पूछो मत माँ, दया हो जाए तो सारा जीवन सुखी हो सकता है। क्या उम्र होगी उस देवी की? यही कोई 19-20 होगी। क्या कह रही हो माँ, देवी की भला कोई उम्र होती है? लेकिन इस देवी की उम्र है यही कोई 19-20 साल। सुना है हर रोज 2-4 बार तू पहुंचाता है उसके दर्शन को। तुमने गलत सुना है माँ, मैं नई उम्र वाली देवियों से 11.25 फुट दूरी रहता हूँ। बहाने ना बना, मुझे सब मालूम हो चुका है। बहुत परेशान कर रखा है तूने उस लड़की को, वो जहाँ भी जाती है तू वहीं पहुँच जाता है। नाक में दम कर रखा है उस बिचारी का। अरे माँ, मैंने आज तक किसी बिचारी की नाक ही नहीं देखी तो फिर मैं नाक में दम कैसे कर सकता हूँ? ये बेसर पैर की किसे सुनी तुमने? उसका भाई आया था तेरी शिकायत लेकर। भाई? बकता है, उसका कोई भाई भाई नहीं। तो फिर वो कौन है? अगर मैं उसका भाई नहीं तो फिर कौन हूँ? अरे तुम, अरे तुम तो मेरे बचपन के साथी हो। कहो बंधु, क्या हाल है?
मैं तुम्हारा बंधु बंधु नहीं, बताओ क्यों छेड़ते हो मेरी बहन को? कैसी बातें करता है, अपनी छेड़छाड़ तो तुझसे चलती है। तेरी बहन को तो मैंने आज तक नजर उठा के भी नहीं देखा। नहीं देखा तो बुलाओ अपनी बहन को। मूछों पर ताव देकर डराता क्यों है? माना की राजपूती मूछे हैं, उन्हें जहाँ के तहाँ रहने दे। तब फिर अपनी माँ के सामने कान पकड़ कर 3 बार उठो बैठो और कसम खाओ कि मेरी बहन तुम्हारी बहन है। कसम खाओ? मैंने अभी अभी पेट भर के खाना खाया है, अब कुछ और खाने की गुंजाइश नहीं। खाते हो कसम या बुलाओ अपनी बहन को? काहे को तकलीफ देता है उन्हें, जब मैं कसम खाता हूँ। तेरी बहन मेरी बहन, मेरी बहन तेरी बहन, तेरी बहन मेरी बहन, तेरी बहन मेरी बहन, तेरी बहन। आज के बाद फिर कभी उसे छेड़ा तो समझना कि अपनी बहन को छेड़ा है। जैसा मन सोचा दीदी, मैं नहीं मानती कि कोई मंगेतर अपनी होने वाली बीवी को बहन बना सकता है। तेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, मैं जो कहती हूँ खुद अपनी माँ के सामने उसने कान पकड़ कर कसम खाई, और वो भी एक बार नहीं कई बार। वो अब भी खाता हूँ कि आपकी बहन मेरी बहन, आपकी बहन मेरी बहन, आपकी बहन बिल्ली मेरी बहन। लेकिन आप मेरी, आपके साथ तो जरा 100-200 जन्मों वाली रिश्तेदारी जमाने का इरादा है मेरा। शक्ल देखिए कभी आईने में। हाँ जी, खासी धांसू किस्म की है। यूं हो सकती थी लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं है। क्यों, क्या ख्याल है, है ना कुछ है? मुझे आप एक आंख नहीं खाते। हुजूर, आपने मुझे एक आंख से देखा ही कब है जो मैं आपको भाने लगता। कोशिश तो कीजिए एक बार, ना भाया तो नाम चंदन नहीं है। मुझे आपके नाम से नफरत है। सूरत से मोहब्बत हो तो नाम बदला भी जा सकता है। आपकी सूरत देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा जी, तो रोग यहाँ तक बढ़ चुका है, तब तो आपका मन अब तक मेरे लिए ज्वालामुखी बन चुका होगा। ओहो, मैं तुम्हें अब कौन लगे तुम जैसा कि मुँह? अजी, मुँह पसंद न हो तो गला हाजिर है, कत्ल कर दीजिए। नहत लफंगी किस्म के आदमी हो तुम, जो पराई लड़कियों को छेड़ा करते हो। ना जी, निहायत चंगे किस्म का आदमी हूँ मैं, सिर्फ अपनी होने वाली बीवी को छेड़ता हूँ। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं। अच्छा जी, तब तो आप ये भी बता सकती हैं कि ठीक 6 महीने बाद आप कहाँ होंगी? मुझे क्या पता आगे क्या होगा, ये कोई जान सका भला? जब आप ये नहीं जानती कि आगे क्या होगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि आगे चलकर आप मेरी बीवी नहीं बनेंगी? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आगे चल के मैं आपकी बीवी बनूंगी? वो तो आप बनेंगी और जरूर बनेंगी, क्योंकि ज्योतिष भी यही कहता है। ज्योतिष, ज्योतिष का काम है तुम जैसे बुद्धों को उल्लू बनाना। हुजूर, मैं उल्लू बना तो आप मिसेज उल्लू बनेंगी। मिसेज उल्लू बनने की शुरुआत तो आपने उसी दिन कर दी जिस दिन अपनी 5 नाजुक उंगलियां बंदे के गाल पर उछाल दी आपने। उंगलियां उछलने की देर थी हुजूर कि ये दिल भी उछल पड़ा, और ऐसा उछला कि अपनी जबान तक भूल गया। पहले ये कहा करता था धक 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 धक, और अब कहता है शबनम शबनम शबनम। मालूम होता है आपने सीने में दिल नहीं तोता पाल रखा है, जो रोज नई नई बोलियां बोलता है। जी पाला तो मैंने था, लेकिन कैद कर लिया है आपने। आपके भोले मुखड़े की कसम, मुझे मजाक मजाक में आपसे बेहद मोहब्बत हो गई। इतनी मोहब्बत कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो आप समझती हैं मैं आपके लिए जान नहीं दे सकता? एक, दो और 3। फिलहाल मैंने ये खंजर हाथ में इसलिए मारा है कि आपको सोचने का मौका देना चाहता हूँ। खूब ठंडे दिल से सोच कि आप मुझसे शादी करेंगी या नहीं। जवाब आज शाम को 7 बजे। जा और जरूर जा। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं उसका हुक्म क्यों मानूं? इसलिए कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी मोहब्बत ने उसे पागल बना दिया है। जो हाथ में छुरी मार सकता है दीदी, वो दिन में भी छुरी घोंप सकता है। भगवान शबनम भेज दे, अरे झटपट शबनम भेज दे, अरे भगवान शबनम भेज। हे भगवान, तुम्हारी वाली शबनम नहीं, मेरी वाली शबनम जरा जल्दी भेज दो। भगवान शबनम भेज दो। भगवान, ये तुम खतरे की घंटी बजा रहे हो या उसके आने का लाइन क्लियर दे रहे हो? भगवान नहीं, एक देवी घंटी बजा रही है। तो आप हैं देवी जी, वो महादेवी कहाँ है? वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? तुम ही सोचो चंदन, एक शरीफ लड़की तुमसे यहाँ मिलने कैसे आ सकती है? अच्छा जी, आप शरीफ हैं? हाँ। आप लड़की हैं? हाँ। तो फिर आप कैसे आ गई? इसी तरह वो भी आ सकती थी। वो इसलिए नहीं आई
कि उसे तुमसे नफरत है। मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। बाप रे, भागो रे भैया। मुझे गलत न समझे चंदन, आज तुमने मुझे अपनी बहन कहा था ना। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई भाई नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई एक ऐसी लड़की के लिए अपनी जान दे जो उससे नफरत करती हो। अरे जा जा, अगर अपनी मोहब्बत में कुछ दम है तो देख लेना, एक दिन उसकी ये नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। वो दिन कभी भी नहीं आएगा। दिन नहीं तो चलो रात ही सही, उससे मुझसे मोहब्बत होगी। मजाक छोड़ो चंदन, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ उसे गौर से सुनो। अरे बाबा, तेरी तो न जाने कब से सुन रहा हूँ। ये सुना कि शबनम ने क्या कहा? उसने कहा है कि वो मर की मर जाएगी, लेकिन तुम जैसे लुच्चे लफंगे लोफर से कभी शादी नहीं करेगी। ये उसने खुद कहा है? हाँ हाँ, खुद कहा है। नींद ने बड़बड़ाई है या जाग के कहा है? जाग के कहा। उस वक्त तुम्हारे डैडी उसके कान तो नहीं खींच रहे थे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम मेरी जान देने का ट्रेलर देख ही चुकी हो, अब पूरा सीन भी देखती जाओ। शबनम, शबनम। दे देना और कह देना प्यार कर ले, ये नफरत नहीं किया करते। दीदी, दीदी क्या कर रही है? दीदी वो दीदी बिल्ली, बिल्ली। चंदन, ये तूने क्या किया? चंदन, ये तूने क्या किया? शिबो, रो मत शिबो, रो मत शिबो, शिबो, तुम्हारे रोने तकलीफ होती है, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। शिबो, चंदन, 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 तुम कहाँ हो चंदन? अब मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे करीब रहेगी। मेरे करीब? तो फिर तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? कैसे आऊं? अब तो मेरी आत्मा भी तुम्हारे सामने आते हुए डरती है कि कहीं तुम उससे भी नफरत न करने लगो। नहीं 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 चंदन, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुझे कभी भी तुमसे नफरत नहीं थी। चंदन, जिंदगी में जब भी मैंने तुम्हें हंसाने की कोशिश की तुम मुझ पर नाराज होती रहीं, और हंसी तो उस वक्त जब मैंने अपनी जान देने का जिक्र किया। तुम्हारी उस हंसी पर मैंने अपनी जान निछावर कर दी। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम, इस वक्त भी मुस्कुराओ। मुझे अब और सजा न दो चंदन, तुम्हारी मौत ही बहुत बड़ी सजा है मेरे लिए। मैं जिंदगी भर तपा करूंगी कि मेरी ही वजह से तुमने अपनी जान दी। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो शबनम, तुम बेचैन रही तो मरने के बाद भी मुझे चैन न मिलेगा। लेकिन तुम ही बताओ चंदन, मैं कैसे चैन पाऊं? अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे इस धोखे में रखा कि तुम एक खेल खेल रहे हो? तुम्हें मुझसे प्यार तो था नहीं जो तुम मेरा इतबार कर लेती। लेकिन चंदन, मुझे तुमसे प्यार हो चला था। सचमुच शिबो? हाँ चंदन, तुमने मुझे समझने से पहले ही अपना खून बहा दिया। ये खबर सुनाकर तुमने मुझे इतना खुश किया है कि मैं इस खुशी में और भी खून बहा सकता हूँ। इस खंजर में अभी थोड़ा सा खून और बाकी है। ये सब क्या है? परी को शीशे में उतारने का मसाला। 2.5 तोले रंग घोलना पड़ा है इस खून को तैयार करने के लिए।
चालबाज लफंगे धोखेबाज, मैं तेरा मुंह मोड़ लूंगी। इस चालबाजी के लिए मैं तेरा मुंह पी लूंगी। आंखों के साथ साथ हाथ भी बरसने लगे। बाप रे बाप, प्यार की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने जो शॉर्टकट लेना था वो तो बहुत भारी पड़ा रे भैया। किस जान का जिक्र किया है आपने, बाहर वाली या अंदर वाली? तुम सीधी तरह बाहर जाते हो या नहीं? सीधी तरह बाहर कैसे जा सकता हूँ मैं, तो इस रास्ते टेढ़ी तरह बाहर जाऊंगा। ओहो, कितना बेशर्म है, ना मरता है ना मौत से डरता है। पक्का आशिक हूँ भला, मौत से डरता कैसे, जान तो तुम हो मेरी जान, मैं मरता। हुजूर, हम जब भी मरेंगे आशिकों की मौत मरेंगे। नमस्ते। देख आसमां में चांद मुस्कुराए, देख वो सितारे गगन में झिलमिलाए, वो कह रहे हैं प्यार कर लो प्यार कर लो, वो कह रहे हैं प्यार कर लो प्यार कर लो। देख आसमां में चांद मुस्कुराए, देख वो सितारे गगन में झिलमिलाए, वो कह रहे हैं प्यार कर लो प्यार कर लो, वो कह रहे हैं प्यार कर लो प्यार कर लो। प्यार कर लो प्यार कर लो।
क्या है माँ? ये चोरों की तरह जूते हाथ में उठाए हुए कहाँ से चला आ रहा है? माँ वो स्वामी फेंकुनंद है ना, उनका कथन है कि जीव हत्या करना या उसका लाभ उठाना दोनों महापाप है, इसीलिए आज से ये चमड़े के जूते पहनना बंद। ओह, तो फिर फेंक इन जूतों को, सीने से क्यों लगाए हुए हैं? पुराने पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ माँ, कल तक जिन्हें पैरों तले रौंदा था आज उन्हें सीने से लगा रहा हूँ। ये क्या है? हाथ हटा, हे राम, ये खून कैसा है? घबराओ मत माँ, ये जापानी खून है, दसाने की पुड़िया मिलती है बाजार में। अच्छा, तो जापानी खून बहाया है तूने? सच बता, क्या फिर गया था शबनम के पास? शबनम के पास? इतना भोला ना बन, मुझे सब मालूम है। उस रोज मर्दों के लिबास में वही आई थी ना तेरी शिकायत लेकर। तुम्हें किसने बताया? मेरी आंखों ने। अपनी होने वाली बहू को मैं नहीं पहचानूंगी तो कौन पहचानेगा? लेकिन इस छेड़छाड़ का नतीजा अच्छा नहीं बेटा। अगर उससे तेरी मंगनी गई तो फिर शबनम जैसी बहू तुझे कभी नहीं मिलेगी। अब मंगनी मंगनी नहीं टूटेगी माँ, मैंने आज से सब शरारतें छोड़ दी। मेरा अच्छा बेटा। मैं ना कहती थी कि जबान के साथ साथ तुम एक दिन अपना दिल भी हार जाओ। आखिर चंदन ने तुम्हारा जीत ही लिया ना। वो तो सब ठीक है बिल्ली, लेकिन मुझे डर है किसी दिन हमारी मंगनी टूट ना जाए। वो क्यों? डैडी चंदन से अभी तक नाराज। तुम भी तो किसी दिन नाराज थी उससे। देख लेना दीदी, तुम्हारी तरह डैडी भी एक दिन चंदन के साथ प्यार भरा डूब जाएंगे। चंदन। कहो चंदनिया। तुम उसे कितना प्यार करती हो? तोला तो नहीं अभी तक, फिर भी दो अढ़ाई मन से कम ना होगा। बस क्या, इस तन में एक ही मन है, फिर भी दो अढ़ाई मन प्यार करता हूँ। बड़े शरीर हो, तुम्हारी यही बातें तो दिल में घर कर गई हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें मेरी कौन सी बात पसंद? तुम्हारी नाक। नाक? हाँ, कौवे की चोंच की तरह खूबसूरत है ना। बड़े वो हो तुम, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अजी साहब, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो कुंवारी ही बुढ़िया हो जाएंगी। बुढ़िया क्यों हो जाऊंगी, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अगर किसी और से टिकट कटवाया। अरे जा, कहते सभी हैं करता कोई भी नहीं। अरे देख लेना, बंदा कर भी गुजरेगा। उधर तुम्हारे घर शहनाई बजेगी तो इधर मेरी आखिरी सांस निकलेगी, उधर तुम्हारी डोली उठेगी तो इधर मेरी अर्थी उठेगी, उधर तुम्हारी डोली उठते ही बाजे बजेंगे तो इधर मेरी अर्थी उठते ही मेरी मार होगी। उधर चंदन, बस मैं तुम्हारी रहूंगी जब तक मेरे दम में दम है। और अगर नाक में दम हो गया तो? फिर भी तुम्हारी रहूंगी। ओके ओके, कम ऑन। हम तो फिदा तेरी, सुनते हैं काली घटा, मार डालेगी जालिम सजा, क्यों न तू प्यार से मुस्कुरा। हंसी पर मिटा जरा पलकों की दिल मन उठा, मेरी आंखों से आंखें मिला, तू मेरी मैं तेरा हो गया।
ही रूजगर हुआ मेरे दिल पे वो असर, हाँ मैं भी रूजगर हुआ मेरे दिल पे वो असर, जुल्फे नमू पे डालो दिल जलों की लगेगी नजर, लूटा नजर ने तेरे आए कहती है दिल की लगी, देख तू है मेरी जिंदगी प्यार से दिल तुझे दे दिया, तुझको मैं देखा करूं तेरी चाहत में डूबा रहूं, तेरे कदमों पे एक दिन मरूं तो कहे हाय रे क्या हुआ, तूने मेरा दिल लिया तेरी बातों ने जादू किया, हाय ना जाने क्या कर दिया ये तेरे प्यार की जीत है। और से शादी नहीं करेंगी ये मैंने तय कर लिया। दीदी अब ये कैसे हो सकता है, शादी के मेहमान घर में आना शुरू हो गए हैं, अगर तुम घर छोड़कर चली जाओगी तो खानदान की इज्जत खाक नहीं हो जाएगी। दीदी खानदान की इज्जत पर मेरी सारी जिंदगी का सुख चैन कुर्बान कर दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। शादी तय करने से पहले किसी ने मुझसे पूछा तो होता। लेकिन डैडी तुम्हारे दुश्मन नहीं है दीदी, वो जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहे हैं। मैं कुछ समझती हूँ, मैं तो बच्ची नहीं हूँ। दिल्ली बहस फजूल है, मेरा फैसला अटल, अगर तुम इस तरह चली गई दीदी तो डैडी जिंदगी भर तुम्हारा मुंह न देखेंगे। जिंदगी बहुत लंबी है, आज वो नाराज है बस खुद मान जाऊंगी। सजन वो कल कभी नहीं आएगा, तुम आज ही मुझे अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखो। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे तुम्हारा सुख छीन रहा था ना, मुझे हमेशा के लिए अपने रास्ते से जाने दो। मुझे इस कीमत पर वो सुख नहीं चाहिए, मैं उसी रास्ते चलूंगी जो आपको मुझे। मेरी मर्जी से शादी करोगी? जयराम जी की पंडित जी। जयराम जी की पंडित बाबू। जिन आंखों ने तुम्हारे साथ प्यार भरी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे उन्हीं आंखों ने आज तुम्हारी बेबसी भी देख ली। मैं न जानता था कि बात यहां तक बढ़ जाएगी। खैर तुम जहां भी रहो मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी है चंदन। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारे प्यार के सहारे ही जीऊंगी। भगवान करे मेरी भी उम्र लग जाए तुम्हें। चंदन चंदन किससे जरूर पूरी होगी। मेरी डोली नहीं अर्थी उठी। मैं तुम्हारी हूँ चंदन, मैं तुम्हारी हूँ। फिर कहीं पे शादी और कहीं बर्बाद। क्या क्या हुआ? हम लोग एक लड़के ने आज अपनी जान दे। किसने? चंदन ने। अगर इनकी आंख खुल जाए तो इसमें से एक टेबलेट दे दीजिएगा, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब कल सुबह डोली जानी है, अगर आपको जरा भी शक हो मैं बारात को एक दिन के लिए रोक लूं। नहीं नहीं, मैंने कहा ना आपसे सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अब इन्हें आराम करने दें। चलिए हो बेटी,
शिकायत लेकर मेरे पास आई थी और आज मैं उसी बच्चे की आखिरी ख्वाहिश लेकर तुम्हारे पास आई। सदा सुहागन रहो। तुम्हारा प्यार हासिल करने के लिए एक दिन मैंने मौत का नाटक खेला था। तब मैं ये न जानता था कि उसी प्यार के लिए मुझे एक दिन सचमुच मौत को गले लगाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बेहद प्यार है। मेरी मौत की खबर सुनकर तुम भी अपनी जान देना चाहोगी। ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा हमेशा तड़पा करेगी शिवको। अगर तुम मेरी आत्मा की शांति चाहती तो तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना। मेरी आखिरी सांस से तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता देकर यही कहती हूँ कि तुम अपनी जान कभी न देना। प्यार नहीं है चंदन, ये प्यार नहीं। मुझे तड़पा तड़पा के मारना चाहते, मुझे जिंदगी का सहारा चाहिए। तुमने मुझे जिंदा रहने की सजा दी है चंदन। तैयारी में इतने दिन इधर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अरे भोला ना, दफ्तर का ध्यान, ऐसे मौके पर तो मैं भगवान का ध्यान भी भूल गया था। चल उठ, चल। अच्छा बाबा चल। सुन सुन, तुझे रोज सुबह 7 बजे उठने की आदत है ना? अच्छा, तो घड़ी 1 घंटा पीछे कर ले। कर ले बेटा। बड़ी मुश्किल से सबकी नजरें बचाकर यहां आया।
मेरा छोटा भाई दीपक है, लंदन से अभी अभी लौटा है। वहां एक बहुत जरूरी काम था, शादी की वजह से मैं तो जा नहीं सका, अपनी जगह से भेज दिया। क्यों झांसा देते हो भैया, साफ कहो ना, जानबूझ के खिसका दिया था मुझे। अगर दीपक लंदन न सटक जाता तो तुम लटक गए होते। शादी से पहले भाभी की नजर हम पे पड़ जाती तो आज तुम ही न भाभी कहते। आपने शक्ल देखी है अपनी शीशे में? अजी वो धांसू शक्ल पाई है कि देखते ही भाभी को गश आ गया। वाह वाह, क्या कहने हैं आपकी शक्ल के, लंगूर जी आपसे भी। जीते रहो। चमन डाला चाचा की लंगोटी खींचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? नहीं आती चाचा, शर्म मुझ तक आते हुए शर्म आती है। बकवास बंद करो। क्यों वे दीपक, बारी पसंद आई? खैर जरा गौर से देख लो। वाह वाह, गाल जैसे के टमाटर, आंख जैसे के जामुन, और मुंह जैसे के लेटर बॉक्स तेरे की, और नाक जैसे के तुमको। चलो यहाँ से आराम करने दो उसे। मुंह क्या देखते हो भैया, भाभी को आराम करने दो। चलो यहाँ से, चलो नहीं मानेगा। बड़ा शरीर है ये। सूरज जरा बात सुनो, बहू बेहोश हो गई थी ना? हाँ चाचा। उसकी तबीयत खराब है ना? हाँ चाचा। तो फिर बेटा घड़ी एक घंटा आगे कर लो। मैं सूरज बोल रहा हूँ। क्या कहा इश्क? मैं आपसे इश्क बात कर रहा? आप कौन हैं और इस तरह जबरदस्ती गले पड़ने का क्या मतलब? तो तू है बदमाश, कहां से बोल रहा है? हुजूर बंदा मुंह से बोल रहा है, चाय का पानी खोल रहा है, अंडा कढ़ाई में डोल रहा है, पेट में मुर्गा बोल रहा है, और आप हैं कि जोरू सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा तो तू नाश्ता कर ले और हम दोनों का नाश्ता बैरिकेड ऊपर लगवा दे। सवेरे सवेरे अकेली कलियों का मुस्कुराना भी इतना खूबसूरत नहीं जितना कि तुम्हारी मखमूर आंखों का खुलना। सर्द हवा के झोंकों से फूलों की डाली को लचकना भी इतना हसीन नहीं जितना कि शब से तुम्हारी गर्दन का झुकना।
तितलियों के थिरकने से पंखड़ियों का थरथराना भी इतना दिलकश नहीं जितना कि तुम्हारे हसीन होंठों का लसना। बहरा ये क्या बदतमीजी? जुकाम से गर्दन अकड़ गई है सरकार। चाय बना दो सरकार, मक्खन लगा दो सरकार, पैर दबा दो सरकार, गर्दन दबा दो सरकार, जुकाम अभी के अभी खत्म हो जाएगा भैया। हाँ, ये पसेरी भर का हाथ जुकाम तो क्या मेरी जान लेके छोड़ेगा। देखा जब ना, अच्छा खासा बंदर है तुम्हारा दीवार बंदर, समझिए ना भाभी गोरीले का छोटा भाई। अच्छा ये बदतमीजी, इसकी सजा तुझे जरूर दूंगा दीपक। क्या? देख आज है जल्दी सुबह और मुझे काम तो बिल्कुल पसंद है, इसलिए तो अपनी भाभी को रेस को जरूर ले जाना और हमेशा अपनी भाभी के दिल बहलाने का ख्याल रखना और कुछ कसर रखती तो मार मार के याद रख। बहुत अच्छा मीठा दर्द दे दिया ये
से कीचड़ डाल बना दिया। कौन है ये लड़की? हमारा जवाब नहीं तुम्हारा जी, बिजली गिरा के चली गई, पूछते कौन है ये? क्या नाम है इसका? हमारा नाम जान के क्या करोगे, ऐसी लड़कियाँ किसी को मुंह नहीं लगाती। हाँ मुंह नहीं लगाती, लगती है शर्त? हमारा लग गई यार। ये फटेले कपड़े कहीं से मार खा के तो नहीं आया? मार नहीं, खार खा के आ रहा हूँ भैया। ताव में आकर एक शर्त जीतने का प्रोग्राम बना डाला, इन फटीचर कपड़ों से शुरुआत कर दी है, बस अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, चौराहे पे चलकर धक्का देना होगा। आपका कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये हरकत करवा के मेरी इज्जत क्या मिट्टी में मिलवाएगा? अरे भैया, इंसान खुद ही एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, अगर थोड़ी देर के लिए इज्जत मिट्टी में मिल जाए तो क्या हर्ज है? मैं खुद समझता हूँ तेरी शरारत में, तेरे इस बेतुके प्रोग्राम के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है, समझा ना? अरे भैया सुनो तो, ये क्या हो रहा है दीपक? सेंसिंग कर रहा हूँ भाभी, दिमाग का इंजन स्टीम नहीं पकड़ रहा है। और ये तुमने अपना हुलिया क्या बना रखा है? आखिर परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि तुम्हें भाभी से भाभा कैसे बनाऊं? भाभी तुम्हें मोटर चलाना आता है? हाँ? आता है? याहू, याहू, याहू। वो झोपड़ी देख रही हो ना भाभी, उसी में से वो लड़की निकलेगी। जैसे मैं हूँ कहूँ, तुम उसके पास से गाड़ी लेके गुजर जाना, पीछे पलट कर मत देखना, वरना सारा काम चौपट हो जाएगा, सीधे घर जाना। अच्छा, तो इसी काम के लिए तुम मुझे अपने साथ लाए थे, लेकिन ये काम तो तुम अपने ड्राइवर से भी ले सकते थे। अरे भाभी, प्यार के मामलों में नौकरों को राजदार नहीं बनाना चाहिए, बख्शीश देते देते दिवाला निकल जाता है। वो निकली, शाबाश, किस अंदाज से कपड़े निचोड़ती है, कुछ यूं ही अपने दिल को भी निचोड़ कर रख दिया है जालिम ने। अगर तुम्हें उससे इतना ही प्यार है तो इन सब हरकतों की क्या जरूरत है, शराफत से जाकर उसे सब कुछ बता दो। इरादा तो शराफत का ही था भाभी, मगर उसके दिमाग की हरारत ने शरारत पर मजबूर कर दिया। अरे नाम ना ले मरने का, डर के मारे जान निकली जाती है अपनी, चल अंदर। अरे चल, हे हे, मर जाना मर जाना। अरे वो तो जिंदा है भैया। अरे वो तो मरने मारने की बात कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा पास, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, चल। हाय बचाओ बचाओ। हाँ अब ठीक बोला, अब तेरे से बचाना ही चाहिए। जाना कैसे जाऊं? उठा जाती। अरे हाय, अरे हाय, अरे अरे देखती नहीं वो हाय हाय कर रहा है, सामने गया तो कहीं उसकी हाय मुझे न लग जाए। भैया इसकी हाय बंद कराओ ना, देखो ना किस तरह तड़प रहा है बेचारा। जाओ आराम मिल गया जवान को। पागल हो, ऐसे तो दम हो जाएगा उसका। भैया तुम मुझे डरा मत मारो भैया, तुम्हें मेरे हिस्से की ज्यादा भी चाहिए ना, शौक से ले लो,
मुझे गरीबी पसंद है, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगा, किसी झोंपड़ी में आसरा ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम मुझे जान से मत मारो, जान से मत मारो। ओ भैया दिखता है अब ये गरीब भी हमारी तरह अमीरों का सताया हुआ है, क्यों ना हम अपने घर में इसे आसरा दे दें। आसरा देने से पहले इसे मसाले वाला दूध देना चाहिए, सुजाने वाले ने वो तबीयत से सुजाया है जवान को कि सेहत हड्डियां भी सूज गई होंगी, दूध से सेहत पहुंचेगी। मैं भी लाया दूध। मैं हूँ खटिया पे। खटिया घर वाली या शमशान भूमि वाली? घबरा नहीं, तुम अभी तो जिंदा हो। भाई के हाथों खूब पिटे हो क्या? सिर्फ हाथों ही नहीं, लातों जूतों हर तरह से पिटा हूँ। मगर बदन पे तो कहीं भी चोट नजर नहीं आती। सब अंदरूनी चोट लगी है और एकाध जगह तो बहुत ही ज्यादा है। ओह सबसे ज्यादा चोट कहाँ पे लगी है? यहाँ। मत हटाओ मत हटाओ। हाथ रखने से आराम मिलता है? बहुत आराम मिलता है। तो फिर दूसरा भी रख लो। वाह 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 वाह, आधे से ज्यादा दर्द जाता रहा। वाह अब तो तुम मोटर वाले नहीं हो ना? पैदल वाला हूँ अब तो। यानी अपना कैसे? मैं से निकाल के चाहो तो बिल्कुल अपना कॉपीराइट बना सकती हो। कॉपीराइट? हाँ। वो क्या होता है? जब दिल की कॉपी पर प्यार की मुहर लगाकर कोई जिंदगी भर का राइट यानी अधिकार लिखवा लेता है उसी को कॉपीराइट कहते हैं। कुछ समझी? थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पूरा सबक पढ़ा दूंगा। सबक पढ़ने का? हाँ। जब मैं इतनी सीखी तब से बड़ा शौक है, अभी किताब लाती हूँ। अरे सुनो तो, अरे जो बेचारा खुद पढ़ा है वो तुझे क्या पढ़ाएगा? लो जवान पूरा लोटा चढ़ा जाओ, सारा दर्द हवा हो जाएगा। उठाओ उठाओ। इस दूध में क्या मिलाया है? हल्दी, पी लो जल्दी। वाह वाह वाह, क्या थी ये हल्दी, चखते ही सारी तकलीफ चल दी। जैसे नहीं गई होगी, सब पीना पड़ेगा। पीना पड़ेगा। वाह 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 वाह। उच्चू लग गया, मेरी भाभी ने मुझे याद किया, हमेशा ऐसे नाजुक वक्त में याद करती है कि बनता काम बिगड़ जाता है। भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जाना यहाँ से मेरा पीछा छोड़ भाभी। भाभी अरे हम मुझसे और इसकी नहीं ले जाती, अरे मेरा पेट दुखने लगा, पेट दुखने लगा, पेट दुखने लगा, जाना भाभी पेट दुखने लगा। गई, चलो अच्छा हुआ अब कोई डर नहीं। कमाल है। हाँ। भाई तो तुम्हारे खून का प्यासा और भाभी तुम्हें इतना चाहती है। बादशाह सब भगवान ने देन है, इस कठोर दुनिया में हमेशा एक ही चीज नरम रही है अपने लिए और वो है औरत का दिल। बात क्यों ठीक कही जवान, औरत का दिल इतना नरम होता है कि कोई भी उसमें यूं घुस सकता है जैसे खाद में केंचुआ। हमारी भी एक बहन थी, उसका दिल भी बिल्कुल मोमबत्ती था, एक मोटर वाले की बातों से पिघल गया, मगर वो ऐसा छटा हुआ बदमाश निकला कि तब से हमें अमीरों से बड़ी नफरत हो गई। अब वो बहन कहाँ है? ऊपर कूदी तो थी नीचे कुएं में, मगर वहां से सीधी ऊपर। आई बेटा, क्या बात है? भूख लगी, भूख लगी, अभी देती हूँ खाना अपनी बेटी को। मेरी माँ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, शमशान घाट सोचा था यहाँ आराम से कटेगी,
लेकिन इन माँ बेटी के प्यार को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। लेकिन तुम्हारा ऐसी हालत में जाना ठीक नहीं है। अब हालत ही कुछ यूँ हो गई है कि मेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। क्या बच्ची के कहने पे ही रुक जाओ। बिन माँ की बच्ची है। बिन माँ की? हाँ, ये मेरी स्वर्गवासी बहन की बच्ची है। ज्योति को ही माँ समझती है। तो क्या ज्योति की मौसी है? भैया मुझे जान से मत मारो। जो मैंने मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगा। मुझे जान से मत मारो भैया। मुझे जान से मत मारो। मुझे जान से। लालटेन देख रहा हूँ। जो लाल नहीं उसे लालटेन कहते हैं, और जो लाल है उसे लालटेन नहीं कहते। क्या मतलब? अजी, जिसकी चमक पीली हो वो भला लालटेन कैसे हो सकती है? लालटेन की चमक लाल नहीं तो कम से कम गुलाबी तो होना चाहिए। और वो बात उसमें थोड़ा थोड़ा याने हमने मुफ्त में ही सर फोड़ा। भाभी भाभी कहाँ चले? यहाँ मुझे हिस्सियाँ लगी हैं और वहाँ भाभी को हिस्सियाँ लगी होंगी। सोचती होगी देवर राम अपनी दुकान बढ़ा गए इस दुनिया से। मैं 5 मिनट में उसे समझा कर चलाऊंगा। मगर तुम वहाँ जाओगे कैसे? तुम्हारा भाई तो तुम्हारी जान का दुश्मन है। अरे वो हमारी जान का दुश्मन है और तुम तो हमारी दिल की दुश्मनियाँ हो। अपनी तो दोनों जगह मुश्किल है। अरे जा जाओ कपास सिखना ठाकुर। मेरा दिल तुम्हारे भाई की तरह पत्थर का थोड़ा ही है। अरे पत्थर का न सही लेकिन चुंबक का तो जरूर है तेरा दिल। चुंबक का? हाँ? वो कैसे? चुंबक लोहा होते हुए भी लोहे को खींचता है। जब दिल दिल होते हुए भी दिल को खींचे तो वो चुंबक नहीं तो और क्या? कुछ समझी? थोड़ा थोड़ा। हाय रे तेरा थोड़ा थोड़ा हमें कहीं का न छोड़ा। नीचे उतर तो फिर चला दूं तीर। Thank you.
जब से श्री ज्ञानचंद्र इस खोपड़ी में, जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या है? चुटकी। चुटकी? चुटकी। अगर ये न हो तो इंसान नमक हराम हो जाए। दाल में नमक कौन मिलाता है? चुटकी। अगर ये न हो तो की नींद हराम हो जाए। रात को बिस्तर के खटमल कौन न करता? चुटकी। चुटकी 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 देखा कितना जरीर है तुम्हारा देव। मैंने बात किया, पूछे कहां से कहां ले उड़ा। इसका नाम दीपक नहीं चालबाज होना चाहिए था। जब आपने दीपक को चालबाज कहा तो मेरे हाथ से चाय की प्याली गिर गई। आज तो सिर्फ चाय की प्याली ही गिरी है। पहली बार जब तुमने दीपक को देखा था तब तुम खुद ही बेहोश होकर गिर गई थी। लगन मंडप में किसी की मौत की खबर सुनकर भी तुम बेहोश हो गई थी। दीपक की शक्ल जब मैं तुम्हारी डोरी ला रहा था तब एक अर्थी गुजरी थी। वो अर्थी उसी की थी ना? जमाने में आंसू तुम्हारी आंखों में भरे हैं, दिल में दर्द भरा है, लेकिन मिट के रहेगा, मेरा प्यार इस दर्द पे छा जाएगा। मेरे प्यार में तुम्हारे आंसू डूब जाएंगे, हमेशा के लिए डूब जाएंगे। ये क्या कर रही हो? दिल में बसने वाले कदमों में जगह नहीं ढूंढा करते। क्यों रोती है? इसलिए उसने बात ही रोने वाली की है भैया।
रोने वाली बात है? कर डाली, रो मत बहन, मुझसे तो एक दिन बिछड़ना ही था तुझे। कब कर रहा है तेरे हाथ पीले? वो मुआ मेरे हाथ क्या पीले करेगा, मैं खुद ही उसकी छोपड़ी लाल कर दूंगी। चाल बात कहेगा, पूरा ठग है ठग। ठग यानी बाकी के 50 रुपए ले उड़ा? मैं भी देखता हूँ उसे। मेरी कमीज कहाँ? मेरी कमीज कहाँ? मेरी कमीज कहाँ? तू यहाँ कैसे आया? निकल यहाँ से। जाता हूँ, मगर देखना तू मुझे इस घर से तो निकाल देगी, लेकिन अपने दिल वाले घर से कैसे निकालेगी? जहर खाके, तुझे इससे मतलब? तेरा काम तो गरीबों को धोखा देना है। मैं कहती हूँ लौट जा अपने महलों में, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे बाबा मेरी बात तो सुन, मैंने तुझे धोखा नहीं दिल दिया, और ये लेन देन का प्रोग्राम जारी रखने का इरादा है। कल तू हार फूल के साथ एक अंगूठी ले ले, एक हफ्ते बाद लग्न मंडप में मैं तेरे भाई से तुझे ले लूंगा। जा जा, लग्न मंडप में मुझे ले लेगा, ये सोचने से पहले अपने चहेते से पूछ लिया था। अरे पूछ तो रहा हूँ। भोला ना बन, मैं तेरे असली चहेते की बात कर रही हूँ। किसकी? वही जो बड़े प्यार से केक खिलाती है तुझे, हिचकियाँ दिलवाकर बुलावे का टेलीफोन करती है। ज्योति मेरी भाभी है वो। भाभी मानता तो 5 मिनट का बहाना करके सारी रात के लिए मैं खिसक जाता। वो तेरी नहीं, तेरे भाई की भाभी। मारा है, अब जब भाभी के लिए गंदी जबान खोली तो बती ही तोड़ दूंगा। ज्योति भैया उसने मुझे थप्पड़ मारा। जरा हल्का मारा, अपनी तरह कसरती जवान नहीं है ना, इसलिए ऐसे मौके पे अपना थप्पड़ होता तो बत्ती सी मुंह से निकल के हाथों पे आ जाती। मैं कहती हूँ वो मुआ कौन होता है मुझे थप्पड़ मारने वाला? अपनी भाभी का देवर होता है, बड़ी भाभी माँ की जगह होती है, और तू उसके लिए ऐसी बातें बक गई? तुमको क्या मालूम, मैंने आंखों देखी बात कही है। क्या देखा है तूने? वो देवर भाभी गोल गोल मुंह खोल कर केक अदला बदली कर रहे थे। अरे मूर्ख, माँ भी अपने बच्चे को दांत काटकर रोटी खिलाती है, तू समझती क्यों नहीं? चल मेरे साथ। नहीं मैंने नहीं चलना। कैसे नहीं चलेगी दीपक? मैंने कहा दीपक जी, आज आपकी ज्योति दांतों में चमकने के बजाय आंखों से क्यों बल रही है? उसका नाम ले लो मेरे सामने भाभी। किसका? आज क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं जरा ये लो दांत फिर से चमक गए। ये चमक दिल की नहीं टूथपेस्ट की है जनाब, अपने दिल का हाल भाभी को सुनाने ही होगा। सुनोगे? अच्छा तो आप गाकर अपने दिल का हाल सुनाएंगे? अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। कली खिलने न पाई थी के शाख ही उजड़ गई, अभी जरा कहते के हमसे प्यारी माँ बिछड़ गई। ओ आसमां बता, ओ आसमां बता दिया हमने था क्या, जो मिली ये सजा, जो मिली ये सजा। लड़कपन में ही ये दुनिया लुटी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। तुझे हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी।
से अपने बचपन में लौट आए हम। तुम्हारे प्यार के इस आंचल तले फिर से दीपक जले, फिर से दीपक जले, ढला अंधेरा जगी रोशनी, अजब है दास्तां तेरी। मुझे माफ कर दो, 10 रुपए लगा इस खोपड़ी पर, भले ही दिन मगर 10 एक भी कम नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ, जो खोपड़ी देवर भाभी पर फजूल का शक्कर है वो जूते खाने के बाद ही लाइन पे आएगी। न 10 न 20 पूरे 30 जूते लगा उस खोपड़ी पर। मैं तो अपनी देवरानी की मांग में सिंदूर लगाऊंगी। कुछ समझी? थोड़ा थोड़ा। तो इस लड़की से शादी करना चाहता है ना? वो भी चाहती है भैया। कहाँ रहती है ये? एक झोपड़े में। शर्म आनी चाहिए तुझे। आ गई भैया। बेशर्म कहीं का, डूब मत जाके। ये ले चाबी। ये चाबी क्या किसी अंधेरे कुएं की है? एक नए फ्लैट की जो मैंने आज ही तक गिर पर लिया है। और अगर मेरी होने वाली बहू वहां जाकर न रही तो तेरी खैर नहीं। चल भाग यहां से। कुछ समझी? थोड़ा थोड़ा। भले ही थोड़ा थोड़ा, एक बार जो नाता जोड़ा 10 जन्म ना तोड़ा। चल रहे फ्लैट में। तू कैसी रहेगी ये जोड़ी? घर में उजाला हो जाएगा, दीपक और ज्योति यहाँ रहेंगे तो। डॉक्टर, आप बाप बनने वाले? सच? हम तक जाके अपनी मिसेज से पूछ लीजिए। जी बोलो सूरज देवता। मैं पूछ सकता हूँ आज के रोज फटे कपड़े पहने कहाँ जा रहे हैं? पूछते हो? अरे अकल के बूढ़े, आज तेरा जन्मदिन है और आज के रोज में तू फटे कपड़ों में घूम रहा? जन्मदिन पर कपड़े हमेशा फटे ही पहनने चाहिए भैया। जिस दिन इंसान जन्म लेता है तो तुम तो जानते ही हो वो किस पोशाक में जन्म लेता है। अगर आज मैं पूरी तरह उसी पोशाक में फिरूं तो पुलिस का डर है, इसीलिए कहीं कहीं ये हुलिया बना लिया। आप चाहे जो हुलिया बनाए लेकिन आपको आज जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना ही पड़ेगा। पार्टी वार्टी कैंसिल करो भाभी, आज मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है और आप लोग खुशियां मनाना चाहते हैं। लेकिन पिछले साल तो आप भी मेरी खुशियां मनाते आए हजूर। पिछले साल तक मेरी अक्कलदार नहीं निकली थी भैया, अब निकल आई है। ये देखो। आप दांत दिखाएं या दीजिए लेकिन आपको पार्टी में आना ही होगा। और अगर पीठ दिखा जाऊँ तो? आप पीठ नहीं दिखा सकते, आप आएंगे और जरूर आएंगे। शर्त लगती है? 100 रुपए की। मंजूर। टाटा। लेकिन मेरा ख्याल है शर्त तुम्हें शर्त जरूर आ रही। नहीं आ रही? उसे आना ही पड़ेगा। हम जो लुड़के दिल भी लुड़का, लुड़क के बोला ऐ भोले भाले, दिल की दौलत पे कर स्वागत बड़ा, वो चुंबक ये दिल उठा ले, ये दिल उठा ले। दिल नहीं झाड़ू था तुम्हारे स्वागत के लिए। क्यों? पिछली रात मास मिनट में भाभी को समझा कर वापस आने वाले थे ना। हाँ। इंतजार करते करते पास इसी घाटले जल गया अपना। अरे यहाँ तो तेरा घाटले जलता रहा, वहाँ अपना दिल जलता रहा। भाभी को समझाने के बाद सारी रात इस दिल को समझाता रहा हूँ। क्या समझाते रहे उसे? यही कि ऐ बेटा दिल, कॉपीराइट बनने के चक्कर में कहीं तेरा हुलिया टाइट न हो जाए। जिस भोली सूरत पे तो फिदा है, ना समझ बनना उसकी अदा है। इसका जिक्र किया मैंने, कुछ समझी? थोड़ा थोड़ा। अरे तेरा थोड़ा थोड़ा तो बन गया अपने रास्ते का रोड़ा, जब करा तो बस वही थोड़ा थोड़ा। अपनी तो खोपड़ी जवाब दे गई। अब सुनो। हाँ कहो। ताक पे आंवले का तेल रखा है, आराम से बैठ के खोपड़ी की मालिश कर लो। अगर आंवले के तेल से खोपड़ी लेन पे ना है जवान, तो कटोरी में 2.5 तोला कड़वा तेल भी है, खोपड़ी के सुंदर हो जाएगा। तब तक हम लौटाएंगे। लौटाएंगे? जाने कहीं जाने का इरादा है क्या? एक बड़ी जगह तमाशा करने जाना है, पूरा 150 खड़ा करेंगे। 150। चल ज्योति। अगर ज्योति गई तो दीपक भी क्या काम से? प्रभु क्या होगा? अगर रात में नहीं गया तो इतनी बड़ी रकम
फोकट में हाथ निकल जाएगी। अरे ये जवान तो नहीं निकला जाता हाथ से, इसे ले जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं पहचाना गया और किसी ने मेरे भाई को खबर कर दी तो मेरी जान की खैर नहीं। अरे दाढ़ी पूछ लगा लेना, कोई नहीं पहचानेगा। जाओ जाओ। पचास रुपए एडवांस के और पचास पेट की दर्द के। लुस्का लुस्का लुलुशा लुलुशा लुस्का 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 लुलुशा लुलुशा तू मेरा कॉफी जाए मैं तेरी कॉफी जाए दुनिया जाए 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 दुनिया लुस्का लुलुशा लुलुशा ये तो है इब्तिदा आगे होगा क्या ये तो है इब्तिदा आगे होगा क्या सितम की हाइट 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 सितम की हाइट तू मेरा कॉफी ब्राइट मैं तेरी कॉफी ब्राइट दुनिया ब्राइट 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 दुनिया पंछी प्यारा लुष्का 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 लुलुशा लुलुशा उल्फत की कसम अंधे हो गए हम उल्फत की कसम अंधे हो गए हम कैंडी लाइट 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 कैंडी लाइट तू मेरा कॉफी जाए मैं तेरी कॉफी ब्राइट दुनिया ब्राइट 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 दुनिया मेरा भाई जिस आवाज के लिए इतना परेशान है चलो मैं ही उसका दिल खुश कर दूं। ज्योति ओ ज्योति अरे लो मिठाई खाओ भैया के घर लड़का पैदा हुआ है। साहब साहब वो तो आज 7 बजे गाड़ी से अपने गांव चले गए। क्यों? उनकी नानी मरने वाली है और वो उन्हें मरने से पहले देखना चाहती है। इस चिट्ठी में पढ़ लीजिए आप। अरे भाई तुम भी आ गया हो यार मर्दों की तरह हाथ बढ़ाओ।
लेकिन चाचा ये मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है? अरे भाई आज तुम्हारे मालिक के बेटे के मुंह में अनाज डाला गया है। बेटे के मुंह में अनाज डाला गया है और बाप की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। वो कैसे? बड़े भाई को दिन भर कागज पे करने से फुर्सत नहीं और छोटा भाई भाभी के साथ मुंह काला कर रहा है। क्या बकता है? बकता नहीं चाचा, ठीक कहता हूँ। पति पत्नी को तुम लोगों ने इकट्ठे देखा है कभी? देवरी हर जगह भाभी को लिए फिरता है। तो नाम कई बाप है, मुन्ने का असली बाप छोटे बाबू है। अरे सेठ जी, सफर के लोग आजकल छोटे बाबू और बहू के बारे में बहुत खराब बातें करते हैं। क्या कहा? बहू के बारे में? हाँ, वो लफंगे कहते हैं कि बड़े भाई को तो दिन भर कागज काले करने से फुर्सत नहीं मिलती, छोटा भाई भाभी के साथ मुंह काला कर रहा है। अरे हाँ, वो गधे के बच्चे यहाँ तक कहते हैं कि नन्हे का असली बाप सूरज नहीं दीपक है, और सूरज ने जब से ये बात सुनी है बहुत परेशान है। खिलाती हो या जहर? सब्जी में नमक ही नमक भर दिया। तुम भंगती कर तो नहीं हो? नमक तो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं चाचा, गलती से नमक ज्यादा पड़ गया होगा। तुम वो रहने दो दीपक, ये दूसरी तरकारी खाओ, बड़ी अच्छी बनी है। ये क्या किया? सारे कपड़े खराब कर दिए, दिखाई नहीं देता। बदतमीज दीपक, आंखें किसे दिखाते हो भैया? अभी को तो तुम्हारे और बच्चे के सिवा किसी का ख्याल ही नहीं। जब से ये घर में आई है मेरा सुख चैन हराम हो गया है। मैं कहता हूँ बंद कर इस बकवास को, माफी मांग अपनी भाभी से। अच्छा, तो अब इस घर में मुझे तुम्हारी बीवी से दबके रहना होगा। मैं इस घर में किसी का नौकर नहीं हूँ, आधी जायदाद का मालिक हूँ। ये घर तुम्हें ही मुबारक हो, मैं जा रहा हूँ। तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? हट जा। आज तुम्हें क्या हो गया दीपक? कल तक तो तुम कितने प्यार से रहते थे मेरे साथ। वो प्यार बनावटी था, कल तक मैंने सबर से काम लिया, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती। ऐसा कौन सा कसूर हुआ है मुझसे जिसे तुम बर्दाश्त करते रहे? बताओ ना दीपक, आज से मैं वही करूंगी जिससे तुम खुश रह सको। जिस घर में तुम रहती हो वहाँ मैं कभी खुश नहीं रह सकता। मुझे कसम है दीपक, अगर एक पल भी मैंने दिल से तुम्हारी खुशी ना चाहिए तो मेरा बच्चा ना रहे। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ दीपक, ये घर छोड़ कर ना जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दो भाइयों में फूट पड़े। अगर मेरे होते तुम खुश नहीं रह सकते तो मैं खुद कहीं चली जाऊंगी। और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से पति पत्नी अलग हो जाए। मैंने फैसला कर लिया, मुझे ऐसे जाना ही हो। नहीं दीपक, नहीं छोड़ो दीपक, छोड़ो दीपक, दीपक। घर छोड़कर जा रहा है, उसे मना लीजिए। वो आपके पास नहीं चलेगा, किसी भी तरह उसे वापस ले आइए। आप नहीं जाएंगे, भाई को मनाने नहीं जाएंगे? मैं कह देती हूँ अगर वो इस घर में नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। ओफो, आज क्या हो गया इस घर में? एक भाई घर छोड़कर जा रहा है और दूसरा उसे मनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं पूछती इस बेदर्दी की क्या वजह है? वो खानदान की इज्जत के लिए घर छोड़ रहा है, वो सबके भले के लिए घर छोड़ रहा है। आज दफ्तर में जब मिठाई बांटी गई तो लोग ऐसी वैसी बातें करने लगे। बकते हैं बोलो, वो तुम्हारे सुनने के लायक नहीं। मैं पूछती हूँ कैसे बातें करते हैं बोलो? तुम्हारे और दीपक के बारे में। इस जमाने में रह के हमें जमाने के साथ चलना होगा शबनम। जब तक दीपक की शादी नहीं हो जाती उसका अलग रहना ही ठीक है। दीपक,
मेरे गधे से उसका घुमार पे छोटा भाई भावज के साथ कुछ छर्रे उड़ा रहा है और नौकरी से हमें निकाला गया। हमें निकालने से क्या होता है, आशुका किसी से चाहने वाले को निकाल देगा भला कुछ। आपकी बात कहते हैं नए फ्लैट में अभी चोरी चोरी स्कोप है। कमी ना कहीं का दोबारा मुझसे ऐसी बात निकाली तो मुंह तोड़ दूंगा। हेलो, मैं उनकी मिसेज बोल रही हूँ। ऑफिस में नहीं है लेकिन वो घर पे भी नहीं है, कोई खास बात थी? क्या कहा, दीपक का एक्सीडेंट हो गया है, कहाँ है वो? मैं भी आई है। मुंह पे साबुन लगा रखा है। साबुन? कौन है वो? तो मैं हूं दीपक। तुम यहाँ क्यों आई भाभी? ओहो, तुम्हें सही सलामत देखकर जान में जान आई। अभी किसी ने फोन करके कहा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक्सीडेंट? मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये टेलीफोन का बहाना छोड़ो, सीधी घर जाओ। हेलो, शट अप। तुम अभी तक अपने घर नहीं गई? ये भी तो मेरा घर है, मेरे देवर का घर। तुम्हारा देवर तुम्हें इस घर में अब एक मिनट भी नहीं देखना चाहता, समझी? ये बनावटी गुस्सा छोड़ो दीपक, तुम्हारे भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब नहीं निकालोगे अपनी भाभी को घर से? मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने उस दिन तुम जैसी देवी को बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो भाभी। ठीक है, तुम रो रही हो? उस दिन तुम्हारी नाराजगी ने मुझे रुलाया था, आज तुम्हारा प्यार रुला रहा है। बाजुओं में देखने की हिम्मत नहीं है क्या? मौका ना चूको सेठ, ऐसी अनोखी मोहब्बत का नजारा तो बहुत कम देखने को मिलता है। दरवाजा क्यों तोड़ते हो मालिक? तोड़ने के लिए मेरा मुंह जो हाजिर है, अब नहीं तोड़ोगे क्या? तुम्हें घर वापस किया? मैं भी घर लौटने को बेचैन हूँ भाभी। ज्योति 15-20 दिन में लौटाएगी, तुम भैया से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवा लेना। अच्छा, तो मैं चलूं। तो है जिन आंखों में हमेशा मेरे लिए प्यार भी लगता था, आज वो मुझे गुस्से से क्यों देख रही हैं? इसलिए कि यहाँ की तुम्हारी काली कसम तुम्हें दे चुकी है। जहाँ से रंगिया मना करा है वही वापस जाओ, इस घर में तुम्हारी लिए कोई जगह नहीं। होश की दवा करो, मैं तो तुम्हारे भाई से मिलने गई थी, किसी का टेलीफोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। बहुत खूब, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ और तुम मुझे ही टेलीफोन रखना भूल गए। ऐसे एक्सीडेंट और कितनी बार हो चुके हैं। बेकार तुम झट कर रहे हो मुझसे,
जवाब दो मुझे, ये शिवबाजी का सिलसिला कब से जारी है? चुप रहो, ऐसी गंदी तोहमत लगाने से पहले अपने हाथों से मेरा गला घूम दो। दीपक को मैं अपने बेटे के बराबर समझती हूँ और चंदन को भी शायद तुम अपने बेटे के बराबर समझती हो। क्या? और सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकती। जो जी चाहे कह लो, मर जो ठहरे। तुम्हें शक करने की आजादी है, तुम्हें पत्नी को घर से निकालने की आजादी है। मर्दों के समाज में सिर्फ औरत ही मजबूर है, उसे अपना धन निभाने की भी आजादी नहीं। पत्नी के धन का अगर तुम्हें इतना ही ख्याल था तो मेरे मना करने पर भी तुम दीपक से मिलने क्यों गई? उसके घर छोड़ने पर मुझसे ज्यादा बेताब तुम क्यों हुई? औरत का धन क्या है तुम जैसे बच्चन क्या जाने? पति का हरा भरा घर उजड़ते देख कर बेताब हो जाना अगर बच्चन्नी है तो मैंने बच्चन्नी की है। देवर के जख्मी होने की खबर मिलने पर पति की गैर हाजिरी में उसे देखने जाना अगर बच्चन्नी है तो मैंने बच्चन्नी की है। लेकिन मुझे इस बच्चन्नी पर जरा भी पछतावा नहीं बल्कि नाज और हमेशा रहेगा। कहाँ जा रही हो तुम? आपका हुक्म पूरा करने, मुन्ने को लेकर मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तुम मुन्ने को छू भी नहीं सकती, मैं तुम्हारा साया तक उस पे नहीं पड़ने दूंगा। इतना जुल्म न कीजिए मुझसे, जिंदगी के बाकी सहारे तो आपने मुझसे छीन लिए, मेरा बच्चा मुझसे न छीनता नहीं जा सकूंगी। तुमसे जिंदा रहने को कहता ही कौन है? जाओ डूब मरो जाके। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें प्रपंच सूझा कैसे? मैं तो नहीं मर गया था, मुझे आके बताया होता तुम्हें जान देने की क्या पड़ी थी भाभी? जब उनका विश्वास ही उठ गया मुझ पर से तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा? मेरा मर जाना ही अच्छा। खबरदार जो फिर ऐसी बात मुझसे निकाली। तुम्हारी जिंदगी न तुम्हारी है न भैया की, सबसे ज्यादा अब तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है। जान देकर तुम ये चाहती हो कि बेचारे जिंदगी भर अपनी माँ के प्यार को तरसता रहे? अब भी तो वो माँ के प्यार को तरसता होगा। मेरी गोद में आए बिना नींद भी नहीं आती उसे। नन्हे नन्हे हाथ फैलाकर माँ की गोद के लिए तड़प रहा होगा मेरा नाम। जब तक तुम्हारा देवर जिंदा है न तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है और न चिंता करने की। अगर तुम्हारा हरा भरा घर फिर से तुम्हें वापस न किया तो लाना था मेरी जिंदगी पर। मैं चाहती हूँ तुम अपने भैया के यहाँ जा रहे हो, इस वक्त वहाँ ना जाओ भैया, वो गुस्से से पागल हो रहे हैं। मेरा भी खून खौल रहा है। जिस भाई को बचपन से मैंने अपने बाप की जगह समझा उससे मुझे इतनी नीचता की उम्मीद न थी। उसने देवर भाभी पर नहीं माँ बेटों पर शक किया है। मेरी वजह से भाई को भाई से जुदा होना पड़ा, अब भाई को भाई का दुश्मन नहीं बनने दूंगी। जो भाई अकल का दुश्मन हो उसकी अकल को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, जाने दो मुझे। अगर तुम वहां गए तो लौट के मुझे जिंदा नहीं पाओगे। आया तुम इसे चुप क्यों नहीं कराते? अगर किस बात की तनख्वाह लेती हो तुम? पूरी तरह तो कोशिश कर रही हूँ साहब, बाबा माँ के लिए तड़प रहा है। जब से मालकन गई हूँ इसने किस तरह से खाया पिया भी नहीं। अगर आप बेटे की शांति चाहते हैं तो मालकन को घर में लाना ही होगा। चुप रहो, इस घर में दोबारा उस बेहया का नाम न लेना। अगर इस मुन्ने की जिंदगी में माँ की कमी है तो उस कमी को मैं पूरा करूंगा। ला मुझे तो मेरा मुन्ना। अरे इसे तो बुखार है, जाओ डॉक्टर को फोन टेलीफोन करो। देखिए मिस्टर सूरज, आपके घर की कोई बात मुझसे छुपी नहीं। वैसे दवा मैं लिख ही देता हूँ लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ के बगैर एक मिनट नहीं रह सकते। आप मुन्ने की माँ को फौरन बुलवाइए। हरगिज नहीं, अगर ये माँ के बिना नहीं रह सकता तो मर जाने दीजिए इसे। नहीं जाता नहीं, मेरा मुन्ना जुड़ चुप जिएगा, मैं अपनी जान देकर भी अपने मुन्ने से मर जाऊंगा। यहाँ क्या लेने आई हो तुम? तुम्हारे बनाती आंसू ने कई बार मुझसे हमदर्दी हासिल की लेकिन इस बार न कर सकेंगे।
जिस नरक से आई हो लौट जाओ वहीं। लौट जाऊंगी, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए मैं फौरन लौट जाऊंगी, लेकिन इस वक्त तो मुझे उस तक जाने दीजिए, मेरे हाल पे तरस खाइए। तुम्हारे हाल पे तरस खाऊं? उस बेरहम माँ के हाल पे तरस खाऊं जिसे अपने बच्चे पे जरा भी तरस नहीं आया, जिसने अपनी बदकारियों की वजह से अपने बच्चे से माँ का प्यार तो छीन लिया। तुम्हें देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। निकल जाओ यहाँ से। आप चाहे जितना बुरा भला कह लीजिए मुझे, मुझे मारिए पीटिए मैं सब सह लूंगी, लेकिन मुझे मुन्ना के पास जाने दीजिए। इस वक्त से मेरी जरूरत है, माँ की जरूरत है। खबरदार जो तुमने अपने आप को माँ कहा तो। माँ पवित्रता की देवी होती है, तुम्हारी जैसी उल्टा नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा साया तक उस बच्चे पे पड़े। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना दीजिए, मुझे मेरे लाए के पास जाने दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। जिस माँ से कलंक का टीका लगा हो वो मेरे पाँव में भी नहीं छोड़ सकता। Thank you.
तुम्हारी करनी का नतीजा तुम्हें अपनी आंखें दिखाने। बेटे का मां के लिए बिलक बिलक कर बेदम होना तो तुमने देख ही लिया, तड़प तड़प कर दम तोड़ती है। भाभी दीपक, दीपक मेरा मुन्ना क्या है? तुम्हारा मुन्ना दूसरे कमरे में भाभी, डॉक्टर ने कहा है उसे आराम से सोने दिया जाए, वैसे वो अच्छा हो गया है। अगर वो अच्छा हो गया तो माँ का दिल डूबा क्यों जा रहा है? तुम एक माँ को धोखा नहीं दे सकते, मेरा मुन्ना इस दुनिया में नहीं है। ये वहम अपने दिल से निकाल दो भाभी, इस हालत में तुम्हारा परेशान होना ठीक नहीं। मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बिचारी हूँ अपने लाल के पास, अम्मा बेटे को कोई जुदा नहीं करती। हौसला रखो भाभी, तुम अच्छी हो जाओगी। नहीं देखो, पर मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं। अफसोस एक ही बात का है, दुनिया ने जो कलंक मुझ पर लगाया है वो तो बिना ही मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। दुनिया वाले तो बकते हैं भाभी, उनकी बातों से तुम अपने दिल को क्यों परेशान करती हो? याद है दुनिया वालों से परेशान होकर एक दिन तुमने एक अधूरा केस पाया था, कितनी शांति थी उसकी दिन। आज वो केस पूरा कर दो। किस दिल से पूरा कर दूं भाभी? मेरा दिल तो हम से बैठा जा रहा है। हंस के पैदा कर दो अपने साथी को, मेरी आखिरी बिनती मान दो मेरे राजा भैया, मेरी बेचैन आत्मा को उसकी शांति पहुंचा दो। जब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, जब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। जैसे फिर से अपने बचपन में लौट आए हम, तुम्हारे प्यारे तुम्हारे प्यार के सियां चल चले, फिर से दीपक जले फिर से दीपक जले, ला अंधेरा जगी रोशनी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी। बड़ा ही संग दिल है ये मालिक तेरा जहां, माँ बेटों पे भी लोग उठाते हैं उंगलियां, बोली ये नहीं शर्म नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती जबलम, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इस जाली में तुम मौत से मुझे पहुंचा रहा है, राजबुड़ी तुमसे तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ शबनम, मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे छोड़ के न जाओ शबनम। शबनम शबनम भगवान, पापा की सजा मेरे बीवी बच्चे को क्यों मिल रही है? अगर मेरी यही सजा है कि मुझे मेरे बीवी बच्चे से जुदा कर दिया जाए तो तुम मुझे ही उठा ले भगवान। अगर तेरे घर इंसाफ है तो जिस घर में तुझे इंसाफ करना ही होगा, इस माँ बेटे को जिंदा रखना ही होगा भगवान, जिंदा रखना ही होगा।
मुन्ना गीता पाठ सुनना चाहती है। नहीं जवान, वो ज्योति की गोद हरी देखना चाहती है, तब तक वो नहीं मरेगी। हाय हाय, मुझसे तेरी नानी की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्यों भैया, क्या आ गया है? जग मंगे बच गया कुछ संगी पूरा पूरा <उन्हें लाजो। laughs>